का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है, भोगा है। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक दिन हमको चाणक्य जी को पढ़ाया तो उसमें बताया कि गधे से भी सीखो, तो गधा भी कितना ऊंचा है, यहां तो अंग्रेजी वाले उसके भी नीचे हैं, उससे क्या सीख सकते हैं हम अंग्रेजी वाले से, गधे से भी कुछ सीख सकते हैं, कुत्ते से भी सीख सकते हैं, घोड़े से भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले से तो वही सीख सकते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन इन अदर डे। तो ये अंग्रेजी घर में से निकालो, जीवन में से निकालो, अंग्रेजी में कभी बातचीत मत करो, कोशिश करो कि अंग्रेजी के शब्द कम से कम आए, और अंग्रेजी बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत होना कभी। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है, और होना वो स्वाभाविक है क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है, उसमें गलती हो जाए तो कौन सी ऐसी खास बात है। इसलिए अंग्रेजी में कभी गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत करना अपने आप पर। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी में गलती हो जाए तो गर्व करना, क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है हमारी, इसलिए गलती हुई तो क्या दिक्कत है उसमें, कभी भी गर्व करना उस पर। मातृभाषा बोलने में गलती हो जाए, राष्ट्रभाषा बोलने में गलती हो जाए तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। विदेशी भाषा बोलने में गलती हो जाए बिल्कुल शर्म नहीं करना। 1967 में सरकार ने जो कानून बनाया और जो कानून इतना खतरनाक है कि भारत का एक राज्य भी अगर मना कर दे तो हिंदी लागू नहीं हो सकती और अंग्रेजी हट नहीं सकती, इस कानून को जल्दी से जल्दी बदलवाना है, और जरूरत पड़े तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संशोधन कराना है, और इसके लिए भारत स्वाभिमान की ताकत को बढ़ाना है। जिस दिन हमारी ताकत भारत की राजनीतिक पार्टियों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, भारत की सब राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, जिस दिन भारत स्वाभिमान में कुल मिलाकर 5 करोड़ सदस्य हो जाएंगे उस दिन यह कानून भी बदल जाएगा और संविधान में संशोधन भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान की तरफ से संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन, कानून को तो पूरी तरह से बदल देना है जो 1967 में बना है, और नीतियों को बदल देना है, नियमों को बदल देना है, भारत के अस्पतालों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के कृषि संस्थानों से हटानी है, भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से अंग्रेजी हटानी है, राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी हटानी है, जहां जहां अंग्रेजी भाषा के रूप में उपयोग हो रही है उस सब जगह से अंग्रेजी को हटाना है, और इसके लिए हमारे पूरे भारत की 22 भाषाओं को बोलने वाले, जीने वाले और उसमें आचरण करने वाले लोगों की ताकत को खड़ा करना है, क्योंकि ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की ताकत है जो अंग्रेजी को हटाएगी, ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जो अंग्रेजी को भारत से भगाएगी, और ये 22 भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जिसके कारण से इस देश से अंग्रेजी को हम 7 समंदर पार वापस भेजेंगे। तो ये बोलकर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आह्वान करता हूँ, व्यक्तिगत जीवन से तुरंत अंग्रेजी को हटाइए, विदेशी भाषा की गुलामी को हटाइए, इस विदेशी भाषा की गुलामी ने बहुत लंबा समय हमारा ले लिया है जिसके कारण हम पिछड़ गए हैं, अब ज़्यादा हम पिछड़ना नहीं चाहते, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। 118 करोड़ भारतवासियों की भाषा, उनकी मातृभाषा, उसको स्थापित करना है, उनको सम्मान दिलाना है, जीवन में उनको अपनाना है, हर स्तर पर उनको स्थापित कराना है, इसी के लिए सारा संघर्ष है और इसी के लिए सारा प्रयास है। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, ईश्वर हमको साहस दे, ईश्वर हमको पूरी हिम्मत दे, और हम सबकी एकता बनी रहे और आगे ये बढ़ती रहे और हम इस उद्देश्य में सफल हो पाए। भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में और दुनिया में ऐसा आदर्श स्थापित करे कि जिन शहीदों के सपनों को 1947 में पूरा नहीं किया गया, उन शहीदों के सपनों को 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद।